एक तरफ जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन जारी है तो दूसरी तरफ धरने पर बैठी विनेश फोगाट के अपने ही बहन बबीता फोगाट के साथ मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। विनेश ने अपनी बहन से नाराजगी जाहिर करते हुए एक ट्वीट भी किया और कहा कि आप भी महिला हैं और हमारे दर्द को समझने की कोशिश करें। हालांकि इसकी शुरुआत कहां से हुई इसे भी समझ लीजिए। दरअसल एक फ्रीलांस पत्रकार मनदीप पुनिया ने एक फोटो शेयर करते हुए बताया कि बबीता फोगाट ने उन्हें ब्लॉक कर दिया। मनदीप ने लिखा कि बबीता फोगाट जो कुछ लिख रही हैं उसका मकसद महिला खिलाड़ियों के आंदोलन को कमजोर करना है। जनवरी में अपनी ही बहनों के साथ धोखा कर चुकी हैं। अब उनके अनाप शनाप ट्वीट्स का जवाब देने लगा तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। बबीता न अपने खेल की सगी हुई और न ही अपनी बहनों की। इसी ट्वीट को कोट करते हुए विनेश फोगाट ने लिखा, अगर पीड़ित महिला पहलवानों के हक में नहीं खड़े हो सकती तो बबीता बहन आपके हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे आंदोलन को कमजोर तो मत करो। सालों लगे हैं महिला पहलवानों को अपने उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने में। आप भी महिला हैं और हमारा दर्द समझने की कोशिश करो। इससे पहले बबीता फोगाट ने ट्वीट कर लिखा था, शून्य से उठकर शिखर तक पहुंचने वाले हम खिलाड़ी अपनी लड़ाई लड़ने में स्वयं सक्षम है। खिलाड़ियों के मंच को राजनीतिक रोटी सेकने का मंच नहीं बनाना चाहिए। कुछ नेता खिलाड़ियों के मंच से अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। खिलाड़ियों को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम किसी एक के नहीं समूचे राष्ट्र के हैं। बता दें कि 2019 में बबीता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गई थी। जनवरी में पहलवानों के धरना प्रदर्शन के बाद सरकार ने जो ओवरसाइट कमेटी बनाई थी उसमें बबीता को भी रखा गया था। इस धरने के दौरान बबीता ने पहलवानों और सरकार के बीच मध्यस्थता की थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए